तो पानी देना है भाई मेरे को, दे दो। और मैं कैसे दूं पानी? पानी ऐसे नहीं दिया जाता, मैं बताता हूँ कैसे दिया। चल दे के दिखा कैसे दे रहा है तू पानी। अरे वेरी गुड, अब है ना, तो भाई ऐसे ही दे दिया, मम्मा तो छोटी हो गई। ओ थैंक यू अभय। देखना कितना फर्क है, तो फिर देगा कैसे? नहीं मम्मा छोटी हो गई। और आज बन रही है एक स्पेशल सब्जी, तो देखिए क्या है। बिल्कुल एंड में जाकर आपको पता लगेगा कि ये कैसे बनी है, कि क्या मैंने इसमें स्पेशल डाला है। और ये मैंने इसमें तेल चढ़ा दिया है, जीरा हींग डाल देंगे, वही नॉर्मल मसाले सब डालते हैं जो डालेंगे तो वही, लेकिन डिफरेंट ट्विस्ट है इसमें। अब बहुत ही टेस्टी लगेगी, पूरे वीडियो ज़रूर देखना। और ये इसमें थोड़े से खड़े मसाले डाल दिए मैंने, लौंग एक बड़ी इलायची डाली है, तेज पत्ता डाला है और छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का। और अब डाल दी मैंने इसमें प्याज लंबी काट के, चाहे तो आप एक प्याज के चार टुकड़े करके और उसको छील लें, अलग अलग कर लें, वो भी डाल सकते हैं, वो भी अच्छे लगेंगे इसमें। लेकिन प्याज पायल ने कट करी थी तो उसने इसी तरह की कट कर दी थी, तो मैंने यही वाली डाल दी है। और प्याज मतलब ना तो ज़्यादा ब्राउन हुई है और कच्चापन भी नहीं है, तो ये भुन गई है लगभग, लेकिन फिर भी मैं इन्हें साइड में कर दूंगी और भुन जाएंगी। और इसमें बीच में मैं डाल दूंगी टमाटर। और ये टमाटर मैंने मिक्सी में नहीं पीसे हैं, बारीक बारीक काट लिए हैं, ये मेरे पास एक चॉपर है इससे काटे हैं, तो छोटे छोटे टुकड़ों में कट गए हैं, नहीं तो आप बारीक बारीक काट सकते हैं। और ढक के पका लेंगे इसे लगभग 5 मिनट मंदी गैस पर, क्योंकि बिल्कुल पिस जाने चाहिए और बिल्कुल पेस्ट भी नहीं चाहिए हमें, तो ऐसा हमें इसमें यूज करना है टमाटर का। तो अभी मैं इसको चला देती हूँ ताकि जले ना, चेक कर लीजिए बीच बीच में, कभी जल जाए तो सब्ज़ी का टेस्ट ख़राब हो जाएगा अगर जल जाएंगे तो। और प्याज को मैं किनारों से थोड़ा सा कर दूँगी, कभी प्याज भी लग जाए, लेकिन अभी दोनों चीज़ ओके हैं तो थोड़ा सा और पका लेते हैं ढक के। और अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे मसाले। अब काफ़ी टाइम हो गया पकते पकते, अब मैं पहले इसमें मसाले डाल दी हूँ। मसाले वही सब बेसिक मसाले हैं, पिसा हुआ धनिया है, हल्दी डाल दी है, लाल मिर्च डालूंगी, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं। मैं हरी मिर्च भी डाल रही हूँ इसमें, तो आप जैसा आपको उचित लगे वैसा कर सकते हैं। एक चम्मच डाला है किचन किंग मसाला। और स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे, नमक इसमें आप आधा चम्मच थोड़ा सा फालतू ही डालिए, क्योंकि हम इसमें मावा डाल लेंगे तो उसकी वजह से मिठास आ जाएगी, तो इसलिए नमक थोड़ा सा एक्स्ट्रा डाल सकते हैं आप इसमें। और अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसको ढक के दोबारा से पका लेंगे, ताकि मसाले अच्छे से पक जाएँ और सब्जी बिल्कुल, ये जो मसाले हैं हमारे, तेल सेपरेट होने तक हम इसे पकाएंगे, तेल छोड़ देंगे ना तब तक पकाना है। और बीच बीच में आप चलाते भी रहिए, अगर आपको लग रहा है कि जल रहा है तो आप 2-4 बूंद पानी भी डाल सकते हैं, नहीं तो वैसे जलता नहीं है क्योंकि प्याज काफ़ी मोटी मोटी हैं और टमाटर भी कटे हुए हैं, पेस्ट जल्दी जल जाता है। तो इसे पका लेंगे हम अच्छे से। अब ये काफ़ी अच्छा पक गया है, देखो कितना अच्छा, हल्का सा लगने भी लगा था नीचे, लेकिन चला दिया है तो ठीक हो गया। अब इसमें हम डालेंगे मावा, और मेरे पास बिल्कुल थोड़ा सा मावा रखा था तो इसी की मैं बना रही, जो घिया की लोज बनाई थी ना मैं, उसमें से ये थोड़ा सा बच गया था, मुश्किल से 100 ग्राम मावा होगा ये, 100 ग्राम मावे से। और प्याज आपने देखी है कितनी डाली है मैंने, 4 या 5 प्याज थी, इतने ही टमाटर होंगे, तो ये 4 आदमियों के लिए सब्जी बच गई थी, क्योंकि हम तीनों ने खा भी ली और बच भी गई थी इसमें से 1 कटोरी। तो इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे, और अभी मावा ठंडा है तो इसलिए ये ऐसा आपको लग रहा है, जब आप इसको थोड़ी देर मंदी गैस पर पकाएंगे ना तो मावा बिल्कुल पिघल कर पूरी सब्जी में मिक्स हो जाएगा और इसमें बड़ा क्रीमी सा टेक्सचर आ जाएगा, और ये सब्जी खाने में वाकई में बहुत टेस्टी लगती है। अब सिम गैस करके हम थोड़ी देर इसको ढक कर पका लेंगे, 5 मिनट ये लगेंगे, ज़्यादा आपको पकाने की ज़रूरत नहीं है। देखो मावे ने बिल्कुल दूध छोड़ दिया है, पूरा लिक्विड फॉर्म में आ गया ये, अब मैं इसे अच्छे से चला दूँगी। और इसमें अपने आप ताज़े दूध की मलाई भी डाल सकते हैं, या जो फ्रूट मतलब फूड क्रीम आती है, मतलब खाने वाली क्रीम का पैकेट आता है एक अमूल का, वो भी डाल सकते हैं। लेकिन मैं कभी भी अगर मुझे क्रीम की ज़रूरत पड़ती है तो मैं घर की मलाई डालती हूँ, क्योंकि वही बेस्ट ऑप्शन है, क्रीम पता नहीं कब कब की रखी होती है। ये मैंने 2 चम्मच ताज़े दूध की मलाई ले ली है, और इसे भी हम मिला देंगे, ये और भी ज़्यादा रिच हो गई है सब्जी।
और इस सब्जी को आप प्लीज से एक बार तो ट्राई जरूर करना, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। बिल्कुल पनीर और शाही पनीर सब फेल है इसके सामने, इतनी स्वादिष्ट बनी थी ये सब्जी। अब थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे और लीजिए आपकी सब्जी बनकर तैयार है। बस बच्चे वेट ही कर रहे हैं खाने का, मैं उन्हें सर्व कर देती हूँ और फिर बच्चों से पूछते हैं कि उन्हें कैसी लगी, उनके रिएक्शन जानते हैं। तो ज़रूर से आप बनाना। सब्जी पहुंच गई है बच्चों के पास, देखते हैं कैसी बनी है रिएक्शन। टीवी देख रहे हैं बच्चे। आवाज कम करो इसकी। कौन सी देख रहे हो? फोर्ट जिला। इसकी शुरुआत हो चुकी है। सब्जी के रिएक्शन दो, कैसी बनी है? जो बन गए हैं धरती पर, लेकिन इस इंफेक्शन से ये लग रहा धरती में भी बढ़िया चीजों को इलाज बना। पनीर अच्छा लगता है? ये अच्छी लग रही है। असली पनीर तो अच्छा है, ये ज्यादा अच्छा है। ये धरती के और ये क्या कर रखा है तुमने? सोफों का, गद्दियों का, धरती की सुरक्षा करने का फोटो बैठने और है। देखो कैसे बना रहे हो। चलो कोई बात नहीं, खाना खा लो, तुम लड़ाई मत करो। इस्तेमाल करने का सोचेगी तो इंसान की इंफेक्शन बस हाँ भी ज्यादा आती जाएगा। तो जी बच्चों को पसंद आ गया, बच्चों ने पास कर दी तो इसका मतलब पास है। माँ को क्या चाहिए? बच्चों की खुशी। तो बच्चों को मैं खिला दूँ खाना, फिर हम भी टेस्ट करके देखेंगे कैसी बनी है। खाना खा लिया है और सब्जी ना वाकई में बहुत टेस्टी बन रही थी। मतलब आप शादियों में जाते हैं जैसे शाही पनीर या कोई ऐसी मतलब रिच सब्जी होती है, जो शाही पनीर भी अच्छा नहीं लगता इस सब्जी के सामने, तो ये इतनी टेस्टी लग रही थी मुझे भी। और ये अब मैंने देखा फ्रिज में मावा रखा है, बोला मम्मी मावा रखा है? मैंने कहा हाँ, लाओ लड्डू बना देती हूँ। तो उसने कहा नहीं, सब्जी बना दो आप मावे की। तो फिर मैंने कहा चलो आज सब्जी बना देते हैं मावे की, और ये तो बड़ी अच्छी बन गई। तो आप कभी मावा निकाले ना तो थोड़ा सा ट्राई करना बना के, देखना कि कैसी लगेगी। हो सकता है हमें ये अच्छी लग रही हो आपको ना लगे, बट सब्जी वाकई में बहुत टेस्टी बनती है। अगर कभी भी बनाओ और टेस्टी लगे तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। तो आज का व्लॉग बस ऐसे ही छोटा सा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाया है, कुछ किया ही नहीं, बस पूरा दिन ऐसे ही लगे रहे मस्ती में। और अभी मूवी चल रही है तो मूवी में बहुत इंटरेस्ट आ रहा है। अभी वॉक करने भी नहीं गई हूँ, अभी जाऊँगी थोड़ी देर में, 8:45 बज रहे हैं। थोड़ी देर में वॉक करके आती हूँ, खाना खा लिया और पंखा चल रहा है, शोर भी आ रहा होगा आपको पंखे का। तो चलिए मिलते हैं फिर, बाय बाय।